नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, बोला टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आज साथियों मैं छोटी सी थोड़ा सा समय लूंगा, छोटी छोटी तीन अपडेट है। टीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्दी, एक या दो दिन में जो हमारे नए चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, नए चेयरमैन साहब हैं, जब शपथ लेंगे तो उसके कुछ एक घंटों बाद में ये टीजीटी का रिजल्ट आपका घोषित हो जाएगा। तो एक अपडेट है टीजीटी मैथ की कट ऑफ। जब आज मैं सुबह लाइव में था तो कुछ एक साथियों ने एक तो टीजीटी एसएसटी की कट ऑफ के बारे में बताया था कि बोलो मैंने आपकी वीडियो पूरी देखी, पूरी लाइव सेशन में आपके साथ जुड़े रहे, लेकिन आपने एक तो पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ नहीं बताई, कोई कह रहा था कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं बताई, एक टीजीटी मैथ, ठीक है। तो देखो, एक मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, आज वर्ल्ड कप का मैच है इंडिया वर्सेज, तो सभी मैच में व्यस्त है मुझे पता है, तो मैं थोड़ा सा समय दूंगा कि देखो कोई भी कट ऑफ है वो कैसे निर्धारित होती है। तो इसके देखो कई पॉइंट होते हैं, कट ऑफ कैसे निर्धारित होती है कि सबसे पहले तो उसमें वैकेंसी कितने हैं, वैकेंसी उसमें पद कितने हैं, उसके बाद में यहाँ जो कंपटीशन है वो कितना है, उसके बाद में हम बात करें कि पेपर का लेवल कैसा है, उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके पैरेलल जो है, उसके पैरेलल कोई भी एग्जाम साथ में कौन सा है। जैसे टीजीटी की कट ऑफ जब निर्धारित करते हैं तो साथ साथ पीजीटी की वैकेंसी भी निकली हुई है, यहाँ भी लगातार लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो इस तरह की तीन चार चीजें हैं जो यहाँ कट ऑफ को निर्धारित करते हैं। तो लेवल की बात करें तो मैं बताता हूं आपको कि मैथ की यदि मैं कट ऑफ आपको बताता हूं या फिर मैं एसएसटी की बताता हूं, तो पूरे टीजीटी प्रकरण में आपको देखने को मिलेगा कि जो लेवल होता है इजी होता है, ठीक है, उसके बाद में मॉडरेट होता है, और मॉडरेट है, और उसके बाद में जो हार्ड होता है। तो यहां मैं नंबर देता हूं कि संस्कृत हो गया, उसके बाद हिंदी भी कह सकते हो, फिजिकल हो गया, ये तो इजी मोड में थे, ठीक है, बाकी लगभग सारे मॉडरेट थे, औसत औसत में थे सारे जो भी एग्जाम थे। और यदि मैं हार्ड की बात करता हूं तो मैथ और एसएसटी ऐसे दो विषय हैं जो सबसे हार्ड एग्जाम थे, तो यहाँ कट ऑफ कम जानी चाहिए। लेकिन बात वो है कि यहाँ ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां जो वैकेंसी है, जो पद है वो कम थे, तो इसलिए कट ऑफ ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि 95 आउट ऑफ 95 में से है, तो कट ऑफ फिर भी यहां थोड़ी सी ऊपर जाएगी। और ऊपर क्या जाएगी, मैंने भी एक दो नंबर ऊपर लगा रखे हैं कट ऑफ को। तो हम बात करते हैं कि हर एग्जाम या तो इजी टू मॉडरेट होता है या मॉडरेट टू हार्ड होता है, ठीक है, तो ये टू होता है, बीच में टू होता है इनके, सारी पूरा एवरेज में नहीं होता, पूरा आसान नहीं होता, पूरा हार्ड नहीं होता। तो यहां हम कट ऑफ कह सकते हैं कि जो मैथ और एसएसटी है तो ये मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम था, ठीक है। तो मॉडरेट टू हार्ड जब एग्जाम था तो कट ऑफ जो है वो कहीं कहीं थोड़ी सी इसकी एवरेज में रहेगी, ठीक है। पर जब ये वैकेंसियां कम है तो हम कह सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी। देखो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं कट ऑफ मैथ की बताता हूं आपको, समय ज्यादा नहीं लूंगा लेकिन फिर भी आपको ये पूरी देखनी पड़ेगी। देखो एक बात तुम आपको बताता हूं, सबसे पहले जो बात है टीजीटी के जो जितने भी सब्जेक्ट है तो उसमें मैं बताता हूं कि दो पोर्शन थे 50+ नंबर का। तो यहां जो पहला मैंने बताया था सब्जेक्ट का है, और सेकंड जो है जीके जीएस का है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, और थोड़े से ये भी कह सकते हो एक आध हिंदी का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे जो मेन बात है मैथ और साइंस की, मैं आपको बताता हूँ टीजीटी में जो साइंस जो फैकल्टी के बच्चे होते हैं, जो साथी होते हैं, वो हमेशा जीके में मार खाते हैं। मैथ उनका अच्छा होता है, उनकी पढ़ाई करने का जो सिटिंग है वो भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिंदी में और जीके और जीएस में मार खाते हैं। मार क्या खाते हैं कि ऐसे तो साइंस के जो बच्चे हैं वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट लेकर भी आईएएस बनते हैं, ठीक है, सिविल सर्विस को फाइट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बात करूं कि मैथ वाले बच्चे जो 40-60 का रेशो है,
ठीक है 10+ स्टोर ग्रेजुएशन लेवल का है, तो मैं बात करूं कि मैथ में वो बच्चे मैक्सिमम 40+ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ वो मार खा के 30+ तक पहुंचते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे 35 तक पहुंच गए, बहुत अच्छी तैयारी वाले, बहुत लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं। तो यदि वो 75 क्वेश्चन भी ठीक करता है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, तो 95 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 35 = 37, 9 × 45 = 4 × 7 = 63, 4 × 4 = 67, तो वो 71 के लगभग पहुंचता है। और चूंकि सारे बच्चे बराबर हैं मैथ के, क्योंकि सारे ही इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं मैथ साइंस के, हालांकि इंटेलिजेंट एसएसटी के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, वो तो अलग अलग क्षेत्र में उनकी रुचि होती है, रुचि के अकॉर्डिंग सभी इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन जब केवल हम मैथ की बात करते हैं, तो अब जो मैंने कट ऑफ निर्धारित की है, मैं उसकी बात करता हूँ आपसे। यदि मैथ की मैं बात करता हूँ, तो मैथ की जब मैं बात करता हूँ, तो आप मान सकते हो कि मैथ में, अच्छा इसके साथ एक और अच्छी बात बताता हूं कि जैसे मैथ है, मैथ में जो पद है वो 93 है, ठीक है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की तो है नहीं, मेवात कैडर के हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि इनकी जो डीवी है, यहां पर जेंट्स कितनी है, कितने बच्चों में 93 वैकेंसियां हैं, तो ये 783 में 780 है, ये लगभग 780। अब मैं बात करता हूं लेवल, मैंने आपको बता दिया, तो इसमें जो सबसे मेन जो फैक्ट है, जो सबसे अच्छी बात है, जो आपके लिए अच्छी है, कि यहाँ पीजीटी के अभी मैथ के इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी होली है, ये रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी इसकी लिस्ट आने वाली है। तो यहाँ जो पीजीटी के 315 पद है, तो सारे तो नहीं, लेकिन 780 में बहुत से ऐसे बच्चे जो यहां चले जाएंगे पीजीटी, बहुत से, मैक्सिमम कह सकता हूं, पूरे नहीं, क्योंकि जो टीजीटी मैथ है, मैथ की जो अच्छा जो जिसका रुचि का जो ये विषय है, तो वो कहीं कहीं एमएससी मैथ से भी करते हैं, ठीक है, तो वो मैथ में भी वहां यहाँ कंपटीशन में होते हैं, तो यहां से वो बच्चे, बहुत से बच्चे निकलेंगे, तो कहीं कहीं कट ऑफ आपके नीचे जाएगी। अब मैंने बताई थी कि कट ऑफ क्या है, कि कट ऑफ मैंने हर सब्जेक्ट की 1 से 2 नंबर लगाई है एक्स्ट्रा, और क्योंकि कई बच्चों ने ये भी कहा, कई बार कहा है कमेंट्स में, कि सर आपकी जो डी ग्रुप की जो कट ऑफ है वो हमें सही नहीं लगती, कई जगह हमें सही नहीं लगती, और ये बात उनकी सही भी है। तो इस विषय में ज्यादा समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं डायरेक्ट उसके लिए कल सुबह 8 बजे फिर लाइव सेशन में आऊंगा, फिर बातें करेंगे। फिलहाल मैं कट ऑफ बताता हूँ कि मैंने जो निर्धारित की है 70 से 73 की है 95 में से, अब 68 जाएगी तो भी मैं कह रहा हूँ कि 1-2 नंबर में पहले ही एक्स्ट्रा बताता हूँ, जान के बता रहा हूँ मैं, कि हो सकता है जैसे डी ग्रुप की कट ऑफ बहुत हाई गई, तो उस हिसाब से मैं इसमें भी हर टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं 1-2 नंबर सभी के ऊपर रखता हूँ। तो यहाँ मैं 70 से 73 रखता हूँ, और 3 मैंने इसलिए लिए हैं कि 70, 71, 72, 73 4 नंबर मैंने यहाँ 4 नंबरों को इंडिकेट किया है, कि यहाँ 70 भी हो सकता है, 71, 72, 73, 74 और 69, 68 भी हो सकती है, लेकिन 73 से 74 नहीं हो सकती, ठीक है, 68 से 71। यहां मैं बात करूं तो 69 से 72, यहां मैं EWS की बात करता हूं तो 68 से 71, और यहां मैं SC की बात करता हूं तो 60 से 63, और ESM की यहां 13 से 14 पद हैं, ठीक है, PWD के यहां 3 से 4 पद हैं, तो यहां मैं बात करूं तो इसको मैं लगाता हूं 58 से 61, और PWD लगाता हूं मैं 60 से 63, तो कहीं कहीं आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है, ठीक है, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है, तो आपको ये कट ऑफ देखने को मिलेगी, और मैं तो यहां तक भी कह सकता हूं कि कट ऑफ 1 या 2 नंबर आपको और भी नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं SST की, तो देखो SST में वही दिक्कत है, एक तो पेपर बहुत हार्ड था इसका, ठीक है, एक तो पेपर हार्ड था, और सबसे जो मेन बात इसमें है वो है TGT SST। तो यहाँ क्या है कि यहाँ TGT में तो सारे सब्जेक्ट SST में पॉलिटिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री सारे आते हैं, लेकिन जो SST के बच्चे होते हैं, जो बीएड है, उनका जो विषय SS और इंग्लिश होता है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, और विशेषकर SS वाले इंग्लिश लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं बात करता हूँ कि इनमें से बहुत से बच्चे पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में MA कर लेते हैं, तो वो PGT लेवल पर भी चले जाते हैं, ठीक है। तो जब वो PGT लेवल पर चले जाते हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं SST की। SST में देखो, SST में जो मैंने लगाया है, SST में जो, इसके सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ कि यहाँ 83 वैकेंसियां हैं,
और 460 कैंडिडेट हैं जो डीवीयू में है, 1/5 इनका कंपटीशन रहेगा। तो यहाँ मैंने लगाई है 67 से 70, BCA की मैंने लगाई है 65 से 69, ठीक है, BCB लगाई है मैंने 66 से 70, और यहाँ जो SC कैंडिडेट की मैंने लगाई है, अच्छा EWS मैंने लगाई है 65 से 69, और जो SC कैंडिडेट है इनकी मैंने लगाई है 60 से 65, और साथियों PWD है इसकी मैंने लगाई है लगभग 57 से 60 तक, हालांकि ये 56 ही मान सकता हूं मैं, 56 से 60 तक। और जो PWD है, PSM है, और जो PWD है इनकी मैं यहां लगाता हूं लगभग 56 या 57 से 60, यानी कि 56, 57, 58, 59, 60। ये यहां जो PWD है यहां भी कैंडिडेट कम है, ठीक है, यहां भी कैंडिडेट आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो PWD है इनके मेरे ख्याल से 4%, तो 3 से 4 वैकेंसियां मिलेंगी, और ESM जो 14% है तो यहां भी आपको कम ही कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करूं कि यहां चूंकि मैंने PWD में ESM में 1-2 नंबर कम लगाई है, तो ये ज्यादा ज्यादा 58 तक भी जा सकती है, ठीक है, यानी कि 60 तक तो मैंने लगाई है, 56 से 60। तो एक साथी का कमेंट था कि भाई हमने PWD की आपने नहीं बताई, तो PWD की तो मैं 57, 58, 59, 60 तक मानता हूँ, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, चूंकि सभी बच्चे मेरे ख्याल से मैच में मशगूल है, सभी मैच देख रहे हैं, तो सभी साथियों को, भावी अध्यापकों को बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आएगा, और आपका जो भी जिस साथी ने मेहनत की है उसको 100% सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, राम राम, धन्यवाद।